हाय, माय नेम इज डॉक्टर राशि गोयल। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्री वर्कआउट मील एंड पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में। यूजुअली जब लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं खाली पेट चले जाते हैं। दिस इज अ मिथ कि हमें बिल्कुल खाली पेट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन। सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एक्सरसाइज व्हेन यू डूइंग। इफ यू डूइंग कार्डियो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा फिल करना चाहिए with good amount of proteins and carbohydrates. तो आप ले सकते हैं yogurt along with some fruits या yogurt along with some nuts in your pre-workout meal around 20 minutes before you start your workout. लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आप 45 minutes before your workout एक complete meal ले सकते हैं which should be rich in proteins and carbohydrates. So make sure कि आप pre-workout meal ज़रूर से लें। बहुत जल्दी में है तो अ शॉट ऑफ कॉफ़ी एक्सप्रेस कॉफ़ी अलॉन्ग विद सम नट्स कैन ऑल्सो डू द बेनिफिट ऑफ बूस्टिंग योर मेटाबॉलिज्म एंड गिविंग यू द ऑप्टिमम स्ट्रेंथ टू सस्टेन अ गुड एक्सरसाइज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पोस्ट वर्कआउट मील। क्या हमें एक्सरसाइज के बाद खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए? जब हम एक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं और प्रोटीन ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा होता है। मसल मास को रिपेयर करने के लिए आपको प्रोटीन कंजम्पशन ज़रूरी है एंड ग्लाइकोजन रिजर्व्स को कम्प्लीटली रिप्लेनिश करने के लिए अपने लिवर में आपको कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना भी उतना ही ज़रूरी है। एंड दिस मील शुड बी कंज्यूम विद इन 45 मिनट्स ऑफ योर एक्सरसाइज। क्या ले सकते हैं? अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो आप इसमें राइस केक्स ले सकते हैं, पोटैटोस, स्वीट पोटैटोस, वीट पास्ताज एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मेड अप ऑफ वीट एंड बार्ले आप कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं। When we come to proteins, तो हमें consume करने चाहिए lean proteins, egg, egg white. आप consume कर सकते हैं fish, tuna, salmons. अगर आप vegetarian हैं तो आप milk and milk products in the form of cheese आप consume कर सकते हैं। Soy products like tofu को भी आप protein form में consume कर सकते हैं। Fats के लिए and minerals के लिए आप use कीजिए nuts, almonds, जो कि आपको good amount of fats देते हैं, essential fatty acids provide करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का रेशो 3:1 का होना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील ज़रूर फॉलो करें सो दैट आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके अपने वर्कआउट से एंड प्रोटीन बिल्डअप मसल बिल्डअप में आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहे और डिज़ायर्ड वेट लॉस भी आपको उतना ही ईजिली मिल पाए। सो मेक श्योर यू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।